गौतम अडानी के लिए मंगलवार का दिन मंगलमय रहा है। दरअसल पिछले 10 दिनों से गिर रहे शेयरों के लगातार दाम मंगलवार को तेजी से बढ़े। कारोबारी सत्र में शेयर 25% तक उछल गया। ये शेयर सोमवार को 1572.40 रुपए पर बंद हुआ था। मंगलवार को ये बढ़त के साथ 1568.05 रुपए पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें 25% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये शेयर आज 1965.50 रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गया, वहीं 1525.05 रुपए के निम्न स्तर तक गया। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर आज 14.63% या 230.10 रुपए की बढ़त के साथ 1802.50 रुपए पर बंद हुआ है। इसके साथ ही BSE पर कंपनी का मार्केट कैप 205,485.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं अडानी के शेयरों में तेजी आई तो गौतम अडानी के नेटवर्थ में भी ताबड़तोड़ तेजी आने लगी। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स रैंकिंग में गौतम अडानी ने ऊंची छलांग लगाई। गौतम अडानी इस लिस्ट में 22वें नंबर से 17वें नंबर पर पहुंच गए। शेयरों में तेजी के कारण अडानी के नेटवर्थ में 1.1 अरब डॉलर की तेजी आई और उनका नेटवर्थ 61.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण उन्हें बड़ा झटका लगा था। कभी 127 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अडानी फिसल कर 22वें नंबर पर पहुंच गए थे। अब वो धीरे धीरे कमबैक कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण कंपनी का मार्केट कैप 50% से अधिक गिर गया था। अडानी की संपत्ति रोज गिरती जा रही थी, लेकिन मंगलवार को बम्पर तेजी की वजह से पिछले 24 घंटे में अडानी की संपत्ति में 1.8 अरब डॉलर की वृद्धि देखी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।